हेलो मेरे भाइयों, तो आज मैं एक लाइट बनाने जा रहा हूँ जिसे आप एसी वोल्टेज पे भी चला सकते हो, डीसी वोल्टेज पे भी चला सकते हो। यानी जब लाइट चली जाएगी उसके बाद आप 6 से 7 घंटे इससे बैकअप ले सकते हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बॉक्स लिया है, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी से मिल जाएगा। और इसके साथ में ये यहाँ पर लगाने के लिए स्क्रू वगैरह भी आए हैं। और यहाँ पर हम एक स्विच यूज़ करेंगे और एक यहाँ पर हम डीसी का जैक यूज़ करेंगे। तो बस यही हमें सामान चाहिए। और भाइयों, इसमें मैंने यहाँ पर एक छोटा सा होल भी कर लिया है जिसे हम ये स्विच में यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। ये आप किसी भी ब्लेड चाकू वगैरह से कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हम जो लाइट यूज करेंगे वो ये रही, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी से मिल जाएगी लाइट। ये देखिए 12 वोल्ट की लाइट है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 खांचे बने हुए हैं ना, तो ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए अब इस लाइट को बना लेते हैं फटाफट से। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो लाइट है ये इसके ऊपर यहाँ पर चिपका देनी है। और चिपकाने के लिए इसमें यहाँ पर ऑलरेडी टेप चिपकी हुई आती है, डबल साइड टेप बोलते हैं इसको। तो ये देखिए हमने यहाँ पर टेप उतार दी। और ये तार को हम यहाँ से, ये जो होल दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, तो यहाँ से मैं निकाल दूंगा तार को कुछ इस तरीके से। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम ऐसे आसानी से चिपका सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पर सारी लाइटों को चिपका देना है। तो फटाफट से चिपका लेते हैं, ये देखिए ऐसे हमें सारी लाइटों को चिपका, इसी तरीके से हमें ये लास्ट वाली लाइट को भी चिपका देना है। ये मैंने चिपका दिया है। तो ये देखिए हमने तीनों लाइट को लगा दिया है। अब तीनों के यहाँ पर तार अंदर आ चुके हैं। तो भाइयों, ये जो रेड तार आपको दिख रहा है इसका प्लस है और व्हाइट वाला माइनस है। तो हम इनको छील करके सभी तार को एक जगह जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इनको फटाफट से छील लेते हैं। और बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिकल है, इसे आप कॉलेज में भी दिखा सकते हो और इसे घर में भी आसानी से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एमरजेंसी लाइट बहुत ही बढ़िया है ये। तो देखिए तीनों तारों को हमने छील दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो रेड तार है ना, तो तीनों रेड तार को हमें एक जगह शॉर्ट कर देना है। और अब बचे यहाँ पर माइनस वाले तार, तो इनको भी तीनों को हमें एक जगह ही लगा देना है। तो भाइयों देख सकते हैं हमने यहाँ पर माइनस वाले अलग कर दिए तार और प्लस वाले अलग कर दिए। और अब इनमें हम यहाँ पर दो तार जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस वाले में तो हम यहाँ पर रेड तार जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने रेड तार जोड़ दिया एक्स्ट्रा क्योंकि ये तार छोटा था। और यहाँ पर हम माइनस तार के लिए ब्लैक जोड़ देंगे, बिल्कुल आसानी से हमने जोड़ दिए हैं। और अब यहाँ पर इन पर हम सोल्डर कर देंगे जिससे कि हमारे तार अच्छी तरीके से यहाँ पर ये मिल जाए, चिपक जाए। तो भाइयों इस पर हमने सोल्डर भी कर दिया है। तो अब हमारे तार यहाँ पर अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब हमें यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 सेल का यूज़ करेंगे लैपटॉप के, और इन्हें हम यहाँ पर सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 बैटरी को आपस में जोड़ देंगे सीरीज में, जिससे कि हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों, ये हमने यहाँ पर चिपका दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें प्लस के साथ में इसको जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ओके। ये देखिए मैंने जोड़ दिया है। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब बचा हमारा एक बैटरी और, तो इसको भी हमें जोड़ना है। तो ये देखिए ये प्लस है ना, तो इसमें हम यहाँ पर माइनस जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम आसानी से यहाँ पर जोड़ लेंगे, थोड़ा सा इस पर यहाँ पर ये कनेक्शन कर दूँ मैं। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर इस बैटरी को भी जोड़ दिया है। ये देखिए प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, और ये माइनस, ठीक है। अब चलिए इनको ऐसे कर लेते हैं हम, ये देखिए, ठीक है। और अब चलिए ग्लू की सहायता से इसको हम यहाँ पर चिपका देते हैं जिससे कि ये बैटरी हमारी यहीं पर रुक जाए। ये देखिए अब हमारी बैटरी बन करके यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल फुल बैटरी चार्ज है हमारी। और बैटरी लगाने से पहले आप इन पर टेप लगा सकते हो जिससे कि यहाँ पर ये अच्छी तरीके से अपनी कोई भी तार आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये देखिए हमने टेप भी लगा दी है। तो बैटरी में हम यहाँ पर पहले तार लगा लेते हैं। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा तार जोड़े ना, इनमें से हम थोड़े थोड़े तार काट लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस का पॉइंट है। तो ये मैंने माइनस पॉइंट लगा दिया। और अब चलिए इसमें प्लस पॉइंट को लगा देते हैं, ठीक है। दोनों तार हमारे यहाँ पर लग गए हैं। तो अब चलिए यहाँ पर हम इसको आसानी से बैटरी को लगा सकते हैं, ये देखिए। और इसे बैटरी को भी लगाने के लिए हम यहाँ पर इस ग्लू गन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे ग्लू को, ठीक है। और इस बैटरी को हम यहाँ पर चिपका देंगे, देखिए। और बैटरी के हमारे कनेक्शन ये रहे और लाइट के हमारे कनेक्शन ये रहे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें गाइस हम यहाँ पर एक जैक लगा लेते हैं। तो ये जैसी हमारी लाइट सीधी है ना, ऐसे तो हम इस जैक को इधर लगाएंगे, ठीक है। फटाफट से हम यहाँ पर लगा लेंगे। और इसमें होल करने के लिए हम यहाँ पर ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसमें होल कर लेते हैं। तो भाइयों देखिए इसमें होल हमने अच्छे तरीके से कर दिया है। तो इस जैक को हम इसमें आसानी से इस तरीके से लगा देंगे और इसे हम यहाँ पर चिपका देंगे ग्लू गन से। ये हमने चिपका दिया है। अब ये जो हमारे लाइट के दोनों तार है, ये देखिए, तो प्लस को तो प्लस के साथ लगा दीजिए। तो चलिए मैं लगा देता हूँ
और ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पर साइड में लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमने लाइट के सीधे कनेक्शन हमारे जैक के साथ में किए हैं, बैटरी का कोई कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो बैटरी के अब कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो माइनस वाला तार है ना, ये हम सीधा यहाँ पर माइनस के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए दोनों तार हमारे कनेक्ट हो गए हैं, और बचा हमारे यहाँ पर बैटरी का प्लस वाला वायर। अगर मैं प्लस को यहाँ पर लगा दूँ ना सीधा, तो बैटरी ये हमारी लाइट जल जाएगी, ये देखिए। तो लेकिन हमें ये डायरेक्ट नहीं जलाना है, हमें यहाँ पर ये स्विच के साथ में जलाना है, और स्विच हमारे पास ये रहा, तो इस स्विच को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर माइनस को माइनस के साथ में जोड़ा है और प्लस को प्लस के साथ में जोड़ दिया। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया है। तो अब चलिए स्विच को भी यहाँ पर चिपका देते हैं, देखिए, जिससे कि हमारा स्विच यहीं पर रुक जाए, हिले ना यहाँ से। तो भाई ये देखिए बटन हमने अच्छी तरीके से चिपका दिया है। तो अब ये जो हमारा बैटरी का तार है इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं लगाना है, हमें ये जो बैटरी वाला डायरेक्ट तार है ना इसको हटा लेना है यहाँ से जैक से, और वहाँ पर हमने बैटरी का तार लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो लाइट वाला तार है ना इसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये जो हमारा स्विच है वहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा चाहिएगा तार का, ये देखिए हमारे पास, ठीक है। तो इसे हमें यहाँ पर बटन के दूसरे सिरे पर लगाना है, और अब इस तार को हम सीधा यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, और हमारी लाइट बन करके बिल्कुल रेडी हो। इसे आप कहीं भी लगाएं, बहुत ही बढ़िया लाइट लगेगी। और देखिए यहाँ से बटन ऑन करेंगे ना तो ये जल जाएगी, देखिए। ये देखिए भाइयों क्या शानदार लाइट है, एकदम धमाकेदार लाइट है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है भाइयों। और आप इसे यहाँ पर डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी पर भी चला सकते हो। उसके लिए आपको एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए 12 वोल्ट का डीसी अडेप्टर है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ये देखिए गाइस हमने लगा दिया है। और अब चलिए इसको सीधा हम यहाँ पर बोर्ड में लगा देते हैं, ये देखिए। तो ये हमने लगा दिया है। तो गाइस अब देखिए मैं ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी रोशनी क्या शानदार है, ठीक है। मैं लैब में अंधेरा कर दूं और आपको अंधेरे में दिखाता हूं इसकी रोशनी कैसी है। तो फ्रेंड मैंने पूरी लैब में अंधेरा कर दिया है, और अब चलिए इसकी लाइट को मैं ऑन करता हूं, ये देखिए। तो ये देखिए भाइयों इसकी शानदार लाइट है, इसे आप रूम में लगा दो, किसी और लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बढ़िया लाइट है। और अब चलिए लैब की लाइट ऑन कर लेते हैं। और भाइयों इसको मैंने यहाँ पर बटन से ही ऑन ऑफ किया है, अगर मैं इसे डायरेक्ट कर देता तो दिन में आपको बंद भी करनी पड़ सकती है, तो उस केस में आप बंद नहीं कर पाते, तो इसलिए हम यहाँ पर बटन से ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर पावर बंद कर दिया है, आप इसे बैटरी पे भी चला सकते हो, और 6 से 7 घंटे इसका बैकअप है, बहुत ही बढ़िया लाइट है, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट की अच्छे वाली बैटरी मैंने लगाई है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक डायोड भी लगा दिया सेफ्टी के लिए, ठीक है। डायोड आप ना भी लगाए डायरेक्ट भी काम करेगा, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, और देखने में हमारी लाइट बहुत शानदार लग रही है। इसे आप कहीं भी दीवार पर ऐसे लगा सकते हो, 2 स्क्रू से, यहाँ पर 2 स्क्रू से आप इसे दीवार पे भी लगा सकते हो, और यहाँ से आप इस बैटरी से भी चला सकते हो, और इसे बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। तो इसे खाली रूम में लगा दो, किसी और लाइट की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और देखने में भी कितनी बढ़िया लाइट लग रही है। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।